हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू की इस स्पेशल वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क पेपर के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें 35 जो क्वेश्चंस होंगे वो जेके के होंगे। उसके बाद जो बचे हुए 15 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इंग्लिश ग्रामर के। टोटल हो गए 50 क्वेश्चंस, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को पता चल चुका होगा कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर होगा हरियाणा डिवीजन के लिए, वो 22 तारीख से स्टार्ट होगा और इसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आउट हो चुके हैं। ठीक है, आप अपने अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्रिटिश साइंटिस्ट पब्लिश्ड अ ट्रीटाइज ऑन द इंडियन समर मानसून इन द 17th सेंचुरी दैट ही एट्रीब्यूटेड टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द एशियन लैंड मास एंड द इंडियन ओशन। यानी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा पब्लिश किया गया था एक ट्रीटाइज ऑन द इंडियन समर मानसून, यानी जो इंडिया का जो समर मानसून है। ठीक है, 17th सेंचुरी में इनके द्वारा पब्लिश किया गया था, हमें इनका नाम पूछा गया है। आप ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है एडमंड हेल्ले। इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा सेकेंड ऑप्शन। एडमंड हेल्ले जो हैं ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा पब्लिश किया गया था ट्रीटाइज ऑन द इंडियन समर मानसून इन द 17th सेंचुरी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा एडमंड हेल्ले। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच पार्ट ऑफ द स्तूपा डिनोट्स अ पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटीज टू पे होमेज टू द स्तूपा। यानी हमें पूछा गया है, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था इसमें से कौन सा पार्ट है स्तूपा का जो डिनोट करता है पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटीज टू पे होमेज टू द स्तूपा। हमें इसका नाम पूछा गया है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, यानी जो स्तूपा को डिनोट करता है इस पार्ट का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, वेदिका, मेदी, टोरानाज या फिर हर्मिका। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा मेदी। जो मेदी है ये है पार्ट स्तूपा का जो डिनोट करता है स्तूपा को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा सेकेंड ऑप्शन, मेदी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बेस्ड ऑन अ ट्रांसपेरेंट कमेंट्री ऑन द वर्किंग ऑफ द BCCI रिटन बाय विनोद राय। यानी हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, उस बुक का नाम क्या है जो कि बेस्ड है किस पर, ट्रांसपेरेंट कमेंट्री ऑन द वर्किंग ऑफ BCCI जिसको लिखा है विनोद राय ने। यानी बेसिकली हमें इस किताब का नाम पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, अ सक्सेस स्टोरी ऑफ BCCI, अ वाइल्ड राइड इन टू द सीक्रेट हर्ट ऑफ BCCI, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। ये जो किताब है इसको लिखा गया है किसके द्वारा, विनोद राय के द्वारा। ये जो किताब है ये बेस्ड है किस पर, ट्रांसपेरेंट कमेंट्री ऑन द वर्किंग ऑफ द BCCI जिसको लिखा है विनोद राय ने। इसका सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू फीचर इन द 2008 समर ओलंपिक्स इन बीजिंग। यानी हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ओनली इंडियन वुमेन कौन बनी है, ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर इंडिया से कौन सी बनी है, ठीक है, जिसके द्वारा जो समर ओलंपिक्स हुए थे उनमें पार्ट लिया गया था 2008 में जो हुए थे, ठीक है, ओनली इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर बनी है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, नेहा अग्रवाल। नेहा अग्रवाल जो है फर्स्ट ओनली इंडियन टेनिस प्लेयर बनी थी जिसके द्वारा समर ओलंपिक्स में पार्ट लिया गया था जो बीजिंग में हुए थे चाइना में 2008 में। इसका सही जो उत्तर है, आंसर है, वो है नेहा अग्रवाल, फर्स्ट ऑप्शन। इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द 1000 पिलर टेम्पल बिल्ट। यानी हमें पूछा गया है, कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसके
ऊपर जो एक टेम्पल है जिसका नाम है थाउजेंड पिलर टेम्पल, इसको बनाया गया है, इस स्टाइल पे बनाया गया है। इस स्टाइल का नाम क्या है, इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का नाम क्या है जिसके स्टाइल के ऊपर थाउजेंड पिलर टेम्पल जो है वो बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, गडग, कलिंगा, चालुक्यन, जाफर, नगारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, चालुक्यन। यानी जो चालुक्यन थाउजेंड पिलर जो टेम्पल है उस आर्किटेक्चरल स्टाइल पे बनाया गया है जिसका नाम क्या है, चालुक्यन। इसका आंसर जो है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन, चालुक्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल। इन 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट वाज वन विच इन्वेस्टेड अ मैक्सिमम ऑफ डैश। यानी 1950 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट है वो किसको कंसिडर किया जाएगा, जिसके द्वारा मैक्सिमम कितने रुपीज तक इन्वेस्ट किया जाएगा उसको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट का दर्जा दिया जाएगा। यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा उस यूनिट को जिसकी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। 1950 की बात है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए। ये जो अमाउंट है वो है 5 लाख रुपए। यानी जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं अपने बिजनेस में, उसको SSI का दर्जा दिया गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट का दर्जा दिया गया था। यानी जो भी बिजनेस थे जिनके बीच 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट थी मैक्सिमम, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट का दर्जा दिया गया था। आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, 5 लाख रुपए। ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन द मेन मटीरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाज सन ड्राइड एंड डैश विच वर मेड इन माउल्ड्स ऑफ 1:2:4। यानी हमें पूछा गया है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके दौरान जो मेन मटेरियल यूज किया जाता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, वाज सन ड्राइड, ठीक है, सन ड्राइड होता था। और हमें पूछा गया है कौन सी ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी ब्रिक्स यूज होती थी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, सैंड, लाइम ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स या फिर बर्नट ब्रिक्स। इनमें जो ब्रिक्स यूज होती थी वो थी बर्नट ब्रिक्स। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, बर्नट ब्रिक्स। इनकी रेशियो थी 1:2:4, इसका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन। अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर वॉज इनोग्रेटेड एट NIT तिरुचिरापल्ली इन मई 2022 इन अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सुपर कंप्यूटर। यानी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक सुपर कंप्यूटर जो है वो लगाया गया है NIT तिरुचिरापल्ली में, ठीक है, मई 2022 में लगाया गया है, ठीक है, NIT तिरुचिरापल्ली जो है इसमें लगाया गया मई 2022 में इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। हम इस सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, परम युवा, परम ईशान, परम फॉरुल या फिर परम पदबा। जो सुपर कंप्यूटर लगाया गया था इसका नाम है परम पोरुल। इसका सही उत्तर है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन, परम पोरुल नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये लगाया गया था NIT तिरुचिरापल्ली में। इसका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, परम पोरुल। विच इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट फॉर साल्ट ऑफ फ्लोराइड यूज टॉपिकली और इन म्यूनिसिपल वाटर फ्लोराइडेशन सिस्टम्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। यानी हमें पूछा गया है कौन सा इनऑर्गेनिक साल्ट है फ्लोराइड का जो यूज किया जाता है, ठीक है, जो टूथ डिके होता है उसको रोकने के लिए, इसका नाम क्या है, इस इनऑर्गेनिक साल्ट का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड या फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड। इसके लिए जो इनऑर्गेनिक साल्ट यूज होता है उसको बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। इसका जो सही उत्तर बनेगा आपका वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, सोडियम फ्लोराइड। व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990। यानी 1950 से लेकर 1990 तक जो एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो कितना देखा गया, 3%, 5%, 8% या फिर 6%। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसमें जो ग्रोथ देखा गया था एनुअल ग्रोथ वो देखा गया था 6%, 6%। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, 6%। विच फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर संग इन डोगरी लैंग्वेज डिपिक्ट्स इन द एगोनी ऑफ न्यूली न्यूली वेड गर्ल हुज हस्बैंड इज इन द आर्मी।
यानी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा फोक म्यूजिक है जम्मू कश्मीर का जो गाया जाता है डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है, जो डिपिक्ट करता है किसको, न्यूली वेड गर्ल जिसके जो हस्बैंड हैं, जिसके जो पति हैं वो आर्मी में हैं, उनके लिए ये जो डिपिक्ट करता है ये जो फोक म्यूजिक है, ठीक है, इसका नाम क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हो लाडी शाह, चक्री, बखान, जाफर सुरमा। इस फोक म्यूजिक का जो नाम है वो है सुरमा। इसका सही उत्तर है हमारा फोर्थ ऑप्शन सुरमा। डॉक्टर ए गोपाला कृष्णन वन द वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2020 इन द इंडस्ट्रियल ऑफ द एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मई 2022 ऑफ विच इंस्टीट्यूट इज ही द डायरेक्टर। यानी हमें पूछा गया है जो डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन जो हैं इनके द्वारा वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो अवार्ड है वो 2020 में रिसीव किया गया था इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मई 2022 में जो है इनको दिया गया है, ठीक है। हमें पूछा गया है ये किसके डायरेक्टर हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके ये डायरेक्टर हैं, ठीक है। 2020 के काम के लिए मिला है बट मिला है 2022 में। हमें पूछा गया है कौन से इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर हैं जिनके लिए वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड इनको दिया गया है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन को। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स इज यूजुअली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एंड अकर्स नियर अंडरग्राउंड माइंस एंड इज इंड्यूस्ड बाय द प्रेशर जनरेटेड विद इन द रॉक्स। यानी हमें पूछा गया है उस अर्थक्वेक का जो टाइप है वो हमें पूछा गया है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, और ये अकर होता है कहाँ पे, अंडरग्राउंड माइंस एंड इज इंड्यूस्ड बाय प्रेशर जनरेटेड विद इन द रॉक्स। यानी जो प्रेशर जनरेट होता है रॉक्स के बीच उसके कारण ये जो पैदा होता है ये जो अर्थक्वेक है, ठीक है। हमें इसकी टाइप का नाम पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी वोल्केनिक एक्सप्लोजन, टेक्टोनिक या फिर कोलैप्स। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा कोलैप्स अर्थक्वेक। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, कोलैप्स अर्थक्वेक। इन जनवरी 2022 द ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी वॉज रिलीज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन लाइन विद विच फ्लैगशिप प्रोग्राम डज दिस पॉलिसी प्रमोट द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एरियल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन इंडिया। यानी हमें पूछा गया है जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है इसको रिलीज किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 2022 में, ठीक है। इन लाइन विद विच फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके बिहाफ पे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इसके द्वारा ये जो पॉलिसी है वो रिलीज की गई है, ठीक है, जिसमें प्रमोट किया जाएगा डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एरियल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडिया में, ठीक है। इस मिशन का नाम क्या है, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, आत्मनिर्भर भारत अभियान। Which of the following is the oldest scholarly organization set up by William Jones? यानी 1784 में William Jones के द्वारा एक जो organization है जिसको सेटअप किया गया था William Jones के द्वारा, हमें इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंग्लो ओरिएंटल, एशियाटिक सोसाइटी, थियोसॉफिकल या फिर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसको बनाया गया था, सेटअप किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। विच माउंटेन पास सिचुएटेड एट 14,450 फीट अबव सी लेवल। यानी कौन सा माउंटेन पास है जो कि 14,450 फीट की ऊंचाई पे सिचुएटेड है सी लेवल से, ठीक है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे लोकेटेड है, ये कनेक्ट करता है सिक्किम को किसके साथ, जो तिब्बत है ऑटोनोमियस जो रीजन है चाइना का उसके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इस माउंटेन पास का नाम क्या है, जोजिला, नथुला, जाफर टांगलांगला, जाफर पास पेंसिला। इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन, नथुला।
इस पास का नाम क्या है? नथुला पास है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है सिक्किम को चाइना के साथ, आंसर बनेगा नथुला। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस सेजेस कॉडिफाइड द भरतनाट्यम डांस इन संस्कृत टेक्स्ट कॉल्ड नाट्य शास्त्र, यानी हमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग फेमस सेजेस, यानी फेमस सेजेस कौन सा है, ठीक है, जिसके ऊपर क्वालिफाई किया गया है भरतनाट्यम डांस इन संस्कृत, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये है सेज भरत मुनि। इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन, सेज भरत मुनि जो है इसके ऊपर क्वालिफाई किया गया है भरतनाट्यम डांस संस्कृत टेक्स्ट, जिसका है नाट्य शास्त्र। इसका आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, भरत मुनि। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड अ मॉडल इन द अर्ली 1970s जनरली रिप्रेजेंटिंग द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक्स, यानी हमें पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया हमें विच हु अमंग द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है मॉडल 1970 में, ठीक है, 1970 के दशक में ये किया गया था, जनरली रिप्रेजेंटिंग सेल मेम्ब्रेन, जो रिप्रेजेंट करता है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक्स को, ठीक है। हमें इनका नाम पूछा गया है जिनके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन, सिंगर एंड निकोलसन। आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, सिंगर एंड निकोलसन। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट, इनकम ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू इट्स एक्सपेंडिचर, यानी हमें पूछा गया है व्हाट इज इट कॉल्ड, यानी जब इनकम जो है गवर्नमेंट की, सरकार की, एक्सपेंडिचर के मुकाबले ज़्यादा होती है, ठीक है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम, यानी जो इनकम है वो डिक्रीज हो जाए, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं मैक्सिमम, और जो इनकम होती है वो कम होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको कम, और जो एक्सपेंडिचर है वो है ज़्यादा। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, यानी जिस सिचुएशन में जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाए इनकम से, ठीक है, उसको फिस्कल डेफिसिट का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फिस्कल डेफिसिट। इन विच ईयर डिड एम फातिमा वीवी बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसमें पहली महिला जज बनी थी एम फातिमा बीवी, किस ईयर में बनी थी? 1991 में, 1992, 1999 या फिर 1990 में? ये बनी थी 1989 में, 1989, थर्ड ऑप्शन। यानी जो एम फातिमा बीवी है ये सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, ठीक है, इसमें पहली महिला जज बनी थी 1989 में, 1989 में। इसका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, 1989। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इंडिया है ये नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे लाई करता है कम्प्लीटली, ठीक है, विद द मेन लैंड एक्सटेंडिंग बिटवीन लैटिट्यूड्स, यानी हमें लैटिट्यूड जो है वो दिया गया है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कहाँ तक? ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक चलता है ये जो लैटिट्यूड है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पे दिया गया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। हमें लैटिट्यूड पूछा गया था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है जो लैटिट्यूड है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का वो बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन। इन विच ईयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जनेरियो विद द फोकस ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इन्वायरमेंट इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो अर्थ समिट है वो किस ईयर में पहली बार करवाई गई थी? रियो डी जनेरियो में हुई थी, ठीक है, जिसमें फोकस किया गया था किस पे? ये फोकस किया गया था स्टेट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इन पे जो है फोकस किया गया था, ठीक है। ये जो अर्थ समिट हुई थी ये कब हुई थी? रियो डी जनेरियो में हुई थी, 2000 में हुई थी, 1985 में, 1992 में या फिर 1998 में? ये जो समिट हुई थी अर्थ समिट ये हुई थी 1992 में, 1992 1992 में। इसका सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, 1992। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय पुरंदरा दास
पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजियम, यानी जो पुरंदरा दास जो हैं इनके द्वारा कौन सा ऑप्शन है जो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, इनको पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजियम जो है वो कंसिडर किया जाता है, इनके द्वारा कौन सा ऑप्शन है जो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था जंटा गीताज। जंटा गीताज आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, जंटा गीताज जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था पुरंदर दास जो कि पितामह हैं किसके, कर्नाटक म्यूजिक के, इसका आंसर बनेगा हमारा जंटा गीताज। विच मेडिसिनल हर्ब बिलोंगिंग टू द मिंट फैमिली इज कॉमनली यूज एज अ सेल्फ हील दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस इन्फेक्शंस एंड क्रॉनिक डिसीजेस इंक्लूडिंग डायबिटीज एंड कैंसर, यानी कौन सी मेडिसिनल हर्ब है जो कि बिलोंग करती है टू द मिंट फैमिली, इज कॉमनली यूज्ड, जो कॉमनली यूज की जाती है एज अ सेल्फ हील दैट हेल्प प्रोटेक्ट, यानी जो प्रोटेक्ट करती है किससे, वायरस से, इन्फेक्शन से और क्रॉनिक डिसीज से जिसमें इंक्लूड है डायबिटीज एंड कैंसर, ये कौन सा मेडिसिनल हर्ब है जिसका नाम पूछा गया है हमें। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा प्रियोनेला वल्गरिस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा प्रियोनेला वल्गरिस, जो है ये है कॉमनली यूज जो किया जाता है प्रियोनेला वल्गरिस, इसका सही उत्तर है हमारा थर्ड ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, एट वट पोजिशन डज इंडिया रैंक वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट इन द कंट्री, यानी हमें पूछा गया है जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया था 2020 में, ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है जो इंडिया का रैंक है पूरे विश्व में वो कौन सा है, ठीक है, ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में जो ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, फिफ्थ, ट्वेल्थ, सेवन्थ या फिर टेंथ, इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है दसवां, टेंथ, इसका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, टेंथ दसवां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडियन बैंक विद 1/4 मार्केट शेयर, यानी लार्जेस्ट जो इंडियन बैंक है उसका नाम पूछा गया है जिसका जो शेयर है मार्केट में वो है 1/4, जो जिसके जो कस्टमर्स हैं वो हैं 450 मिलियन कस्टमर्स और इसके जो ब्रांचेस हैं वो है 22,000 ब्रांचेस, इसका नाम पूछा गया है लार्जेस्ट जो बैंक है इंडिया का वो कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप सभी को पता चल चुका होगा, इसका आंसर है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑन 22 अप्रैल 2022 यूनियन मिनिस्टर जो है सोशल जस्टिस इन्वायरमेंट एंड चेयरमैन जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाउंडेशन के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, ठीक है, जिसमें जो हाई क्वालिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी, फ्री कोचिंग फैसिलिटीज जो है एससी स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड की जाएगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। हमें पूछा गया है कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें ये जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी ये जो स्कीम है, ठीक है, इसमें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हैं उनकी फ्री कोचिंग दी जाएगी एससी स्टूडेंट्स को, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो स्कीम है वो अप्लाई की जाएगी ये पूछा गया है, 31, 25, 35 या फिर 21, इसमें जो आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का 27 नंबर का वो बनेगा 31, यानी पूरे इंडिया में जो 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी जिसमें सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन हैं उनकी फ्री कोचिंग दी जाएगी किसमें, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 31 उनमें, ठीक है, पूरे इंडिया में 31 यूनिवर्सिटीज़ में ये जो स्कीम है वो लागू की जाएगी, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन 31। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज इन द राज्यसभा, राज्यसभा में जो पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो कैटेगरीज हैं टोटल वो कितनी है, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 9 हैं, टोटल है 2 कैटेगरीज, इसका आंसर बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन 2 कैटेगरीज। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट 2020-21 विच स्टेट वाज एट द लीडिंग पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड held a share of 17.14% in the national production, यानी हमें पूछा गया है according to the Ministry of Mines annual report 2020-21 कौन सा राज्य है भारत का, ठीक है, जिसके द्वारा leading position जो है वो हासिल की गई है, ठीक है, जिसमें mineral production जो है वो किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो production है mineral का वो इसी राज्य में होता है, ठीक है, इसी वजह से इसका जो share है वो पूरे इंडिया में national production में सबसे ज़्यादा है 17.14%, ठीक है, कौन सा राज्य है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये भारत का राज्य है राजस्थान।
इसका आंसर बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राजस्थान। इन विच ईयर यानी कौन से ईयर में जो स्कूल है, ठीक है, कला क्षेत्र जो स्कूल है वो एस्टेब्लिश किया गया था बाय वाइब्रेंट विजनरी रुक्मणी देवी अरंदाले, यानी जो रुक्मणी देवी हैं इनके द्वारा जो कला क्षेत्र स्कूल है वो स्टार्ट किया गया था, किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें जो भरतनाट्यम जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी इस स्कूल में, ठीक है, कि इसमें जो कला क्षेत्र जो स्कूल है इसमें जो भरतनाट्यम डांस है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है इस स्कूल में, ये कब स्टार्ट किया गया था रुक्मणी देवी के द्वारा, ठीक है, जो रुक्मणी देवी हैं इनके नाम के ऊपर ही ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हमें पूछा गया है किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 1930, 1940, 1936 या फिर 1950, ये स्टार्ट किया गया था 1936 में, आंसर बनेगा 1936। जो फर्स्ट सिख जनरल थे जिनके द्वारा जो कांगड़ा था, कांगड़ा की जो पहाड़ियां थी वहां पे जो है इन्वेड किया गया था, पहले जो सिख जनरल थे उनका नाम पूछा गया है, पहले जो सिख जनरल थे जिनके द्वारा इन्वेड किया गया था कांगड़ा की जो पहाड़ियां हैं उन पे, उनका नाम क्या है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनका नाम है सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया। इसका आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है, ठीक है, इनके द्वारा इन्वेड किया गया था, पहले सिख जनरल बने थे जिनके द्वारा इन्वेड किया गया था जो कांगड़ा की जो पहाड़ियां हैं उन पे इन्वेड किया गया था, ये पहले सिख जनरल बने थे। इसका आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन जस्सा सिंह रामगढ़िया। नासा जो है इसके द्वारा 2022 में जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो एस्ट्रॉयड जो धरती की तरफ आ रहा है डायमॉर्फोस, ठीक है, इसको रोकने के लिए, इसकी जो दिशा है इसको चेंज करने के लिए जो मिशन है नासा का वो कौन सा लॉन्च किया गया है 2022 में, जो ये मिशन होगा ये इस डायमॉर्फोस पे से टकरा जाएगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो धरती की तरफ है, ठीक है, बट इसको चेंज कर दिया जाएगा इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है। इस मिशन का नाम क्या है, दाविंसी, वेरिटास, डार्ट, जाफर, फाइस्क। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा डार्ट मिशन, नासा का डार्ट मिशन है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो डायमॉर्फोस की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी जाएगी, यानी इसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा डार्ट मिशन के माध्यम से। इसका आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन, डार्ट मिशन। हु वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, यानी हमें पूछा गया है जो आजाद भारत के पहले जो कानून मंत्री बने थे उनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जाफर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं ये पहले कानून मंत्री बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, आंसर बनेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। हुआ मंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द कानपुर कंस्पायरेसी केस 1924, यानी जो कानपुर कंस्पायरेसी केस है 1924 वाला, ठीक है, इसमें से दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, ठीक है, ए, बी, सेकंड और थर्ड फोर्थ, इनमें से कौन सा जो कानपुर कंस्पायरेसी केस हुआ था 1924 में इसका पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में। इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा एम ए अंसारी, एम ए अंसारी जो है ये कानपुर जो कंस्पायरेसी केस हुआ था 1924 में उससे एसोसिएट नहीं है। इसका आंसर बनेगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, बाकी सारे तीनों के तीनों हैं, ठीक है, आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन। एशिया का जो लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस गैस जो प्लांट है वो लगाया गया है संगरूर में, हमें पूछा गया है संगरूर जो है ये एक जगह है पंजाब में, ठीक है, हमें पूछा गया है संगरूर में कौन सा विलेज है जहाँ पे ये जो एशिया का लार्जेस्ट जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो लगाया गया है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो बायोगैस प्लांट लगाया गया है ये लगाया गया है बुट्टल कलां में, बुट्टल कलां जो है ये गाँव है पंजाब में संगरूर में, यहाँ पे लगाया गया है एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इसका आंसर बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन बुट्टल कलां। ये 35 क्वेश्चन जीके थे के थे जो हमने कवर कर लिए हैं डिटेल में, इसके बाद जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, इसमें हमने स्पेलिंग का जो एरर है वो फाइंड करना है, ठीक है, अगर कोई भी एरर स्पेलिंग में नहीं है तो हमने टिक करना है नो एरर। सबसे पहला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, ही पीयर्ड इन टू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जेंस लाइट फास्टेंड टू द फोरहेड। इसमें हमें पूछा गया है कौन से स्पेलिंग एरर हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन,
इसमें जो पीयर दिया गया है PEARED, इसके जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग दिए गए हैं, इसके जो सही स्पेलिंग होंगे वो होंगे PEERED, यानी जो ए यहाँ पे दिया गया है इसकी जगह पे आएगा ई आएगा, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का वो होगा थर्ड ऑप्शन, पीयर के जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग दिए गए हैं, इसी वजह से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पूछा गया है कौन से पार्ट में एरर है, यानी किस पार्ट के स्पेलिंग के एरर में है, ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, ही सॉ अ फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी वाइटिश, यहाँ पे हमें पूछा गया है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सभी के स्पेलिंग ठीक लग रहे हैं, फ्लिकर के भी सही हैं, टेरर के भी सही हैं, उसके बाद यंग फेस भी सही है, वाइटिश भी सही है, यानी इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, इसी वजह से आंसर बन जाएगा नो एरर। इसका आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, अगेन स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन पूछा गया है, ही स्वेप्ट द ब्राइट ग्रीन कारपेट ऑफ हिज मॉस गार्डन कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ मैरिड इट्स वेलवेट सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस के जो स्पेलिंग है वो गलत दिए गए हैं, इसके जो स्पेलिंग होंगे वो होंगे ये वाले, इसी वजह से हमारा जो आंसर बनेगा वो सरफेस वाला बनेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा बनेगा, इस क्वेश्चन का 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन वाला, सरफेस वाला आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, नॉट अ लीफ मैरिड इट्स वेलवेट सरफेस आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगेन हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कंप्रिहेंशन से, इसमें हमने एक ब्लैंक दी गई है, इसमें हमने अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो फिल करना है। आई वॉज ड्रेडिंग द फ्रेंच टेस्ट एंड वॉज वेरी ग्लैड टू गेट इट डैश, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन थ्रो ओवर आउट डाउन, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा ओवर। आई वॉज ड्रेडिंग द फ्रेंच टेस्ट एंड वॉज वेरी ग्लैड टू गेट इट ओवर, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा 39 नंबर क्वेश्चन का वो बनेगा ओवर, सेकेंड ऑप्शन। अगेन हमें ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा गया है, सुनीता इंप्रेस्ड मी डैश हर सिंसियरिटी टू हार्ड वर्क, यहाँ पे मी के पीछे पूछा गया है, मी के बाद क्या आएगा, ठीक है, विद एट ऑन फोर, इसमें आएगा विद। सुनीता इंप्रेस्ड मी विद हर सिंसियरिटी टू हार्ड वर्क, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन विद। अगेन ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो हो गया हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आएगा हमारा विद, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन विद, ठीक है। सुनीता इंप्रेस्ड मी विद विद ही हर सिंसियरिटी टू हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है हमें, इसमें अप्रोप्रिएट जो एंटोनियम है वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें वर्ड दिया गया है क्लैंडस्टाइन, जो क्लैंडस्टाइन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुप्त, गुप्त, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गुप्त, ठीक है। गुप्त का ऑपोजिट हमें फाइंड करना है, एंटोनियम हमें फाइंड करना है। गुप्त ऐसी था होती है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई चीज़ हमने गुप्त करके रखी है, इसके इसके अगेंस्ट यानी इसको एंटोनियम क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इसका हम एंटोनियम यूज़ कर सकते हैं फोर्थ राइट यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा फोर्थ ऑप्शन फोर्थ राइट, ठीक है, इसका आंसर बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है शो करना, ये होता है गुप्त रखना, ठीक है, इसका आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन फोर्थ राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगेन हमें एंटोनियम पूछा गया है मेलनकोली, मेलनचोली जो है ये हमें एक वर्ड दिया गया है, इसका अगेन हमें एक एंटोनियम फाइंड करना है। मेलनचोली जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उदासी, इसका मतलब होता है हिंदी में उदासी। इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, आनंद खुशी, ठीक है, आनंद या फिर खुशी आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका एंटोनिम जो होगा, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एंटोनिम के लिए जॉयफुल, आनंद इसका मतलब होता है आनंद, इसका आंसर बनेगा हमारा जॉयफुल। इनेन, इनेन वर्ड का हमें एंटोनिम फाइंड करना है, इनेन जो वर्ड है, ठीक है, इसका एंटोनिम फाइंड करना है। इनेन का मतलब क्या होता है, बेहुदा, 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 या फिर आप यूज कर सकते हो व्यर्थ, व्यर्थ, ठीक है, ये वर्ड यूज कर सकते हो आप हिंदी हिंदी के। इनेन वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, बेहुदा या फिर व्यर्थ। इसका एंटोनियम फाइंड करना है, इसका जो एंटोनियम बन जाएगा वो बन जाएगा स्मार्ट,
बेहोदा का जो समाट है वो हो जाएगा इसका जो एंटोनिम होगा, इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन समाट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल, मिनी का मतलब क्या होता है छोटा, ठीक है, मिनी वर्ड यूज करते हैं हम छोटे के लिए। इसके अगेंस्ट यानी इसका एंटोनिम फाइंड करना है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा विशाल, ठीक है, बड़ा, ठीक है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा गिगेंटिका। गिगेंटिक जो है इसका मतलब क्या होता है विशाल, इसका आंसर बन जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन गिगेंटिक विशाल। उसके बाद सिनोनिम देखिए, सिनोनिम में हमें पूछा गया है वाउच, वाउच, वाउच का अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है जमानत, ठीक है, कन्फर्म करना, ठीक है, जमानत करना, करा देना, या फिर जमानत करना, या फिर आप बोल सकते हो जमानत देना, या फिर कन्फर्म कर देना, ठीक है, इसका सिनोनिम पूछा गया है, सेम वर्ड पूछा गया है, तो हमारा हो जाएगा कन्फर्म, इसका आंसर बन जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन कन्फर्म। उसके बाद हाईब्रो, हाईब्रो का हमें सिनोनिम पूछा गया है, हाईब्रो का, हाईब्रो का मतलब क्या होता है, हाईब्रो का जो मतलब है वो होता है घमंडी, यानी जब कोई व्यक्ति जो है अपने घमंड में रहता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाईब्रो, ठीक है, हाईब्रो, इसके लिए जो घमंडी व्यक्ति के लिए हम यूज कर सकते हैं ये जो सिनोनिम है, ये वर्ड है, जो इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा इंटेलेक्चुअल, इसका आंसर बन जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन इंटेलेक्चुअल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, किसी व्यक्ति को डांटना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेप्रीमेंड, ठीक है, डांटना किसका मतलब होता है स्कोल्ड का, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्कोल्ड, आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्कोल्ड। उसके बाद एवरी, एवरी का जो सिनोनिम है वो पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो एवरी का जो हमें सही सिनोनिम दिया गया है वो दिया गया है ट्विस्टेड, ट्विस्टर, ट्विस्टर, ये हो गया इसका सिनोनिम, इसका आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन ट्विस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन सिनोनिम का, 50th नंबर क्वेश्चन है बिजारे, बिजारे, ठीक है, बिजारे का जो हमें सिनोनिम है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो फैमिलियर, कस्टमरी, वियर्ड या फिर सीरियस, ठीक है, जो बिजारे है इसका मतलब क्या होता है हिंदी में अजीब, अजीब, स्ट्रेंज, ठीक है, इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा वियर्ड, इसका भी मतलब होता है अजीब, इसी वजह से हमारा आंसर बन जाएगा वियर्ड, अजीब, इसका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन वियर्ड। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस जीके के डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इंग्लिश ग्रामर के, यही लेवल रहेगा एग्जाम का। अगर आपके 50 में से 30 से 35 क्वेश्चंस सही हुए हैं तो आप अपनी तैयारी को अच्छा मान सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करना पड़ेगा, 4 दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं तो ही आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है, इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, इसी वजह से हमारे द्वारा स्पेशल जो है वो नोट्स तैयारी किए गए हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क पेपर के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको लास्ट 4 दिनों में, ठीक है, जो आखिरी के 4 दिन बचे हैं उनमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको 3500 क्वेश्चंस होंगे जीके के जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस नोट्स में, नोट्स के माध्यम से, ये जो नोट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये जो नोट्स होंगे ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, आप इनका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप इनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, यानी जो पेपर हुआ था अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब रीजन के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं, ठीक है, आपने कहीं से भी तैयारी की है आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, इसमें आपको 1500 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन होंगे, पंजाब जीके के 500 क्वेश्चन होंगे, ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे 3500 क्वेश्चन, इसमें आपको पंजाब जीके करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे पंजाब जीके करने की जरूरत नहीं है उसी तरह हरियाणा जीके भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंडिया जीके लेवल के ही पूछे जाएंगे, इसमें पंजाब हरियाणा का कोई भी नहीं पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, एक जो पंजाब रीजन का पेपर हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन पंजाब जीके का पूछा नहीं गया था, इसी वजह से आपको हरियाणा जीके की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपको 1500 क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स के होंगे और इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चंस होंगे, टोटल
3500 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, जो आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको साथ ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और जैसे इंडिया जीके के जहाँ पे 1500 लिखे गए हैं, टोटल 1700-1800 क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से करंट अफेयर्स के 1500 लिखे हैं यहाँ पे, वो भी 1700-1800 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। इनको आपको कवर करके जुड़ जाना है, टोटल 3500 क्वेश्चंस होंगे जीके के। उसके बाद इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 1000 क्वेश्चंस होंगे, 1000, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स होंगे वो 150 होंगे, एंटोनिम 150, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे 150, इडियम एंड फ्रेजेस होंगे। उसके बाद ग्रामर के स्पेशल क्वेश्चंस हमने बना के डाले हैं 300 क्वेश्चंस। ये टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 1000 क्वेश्चंस, ठीक है। 3500, उसके बाद 1000, ठीक है, ये हो गए 4500 क्वेश्चंस। यानी इस नोट्स में आपको 4500 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज फॉर्मेट में टोटल 4500 क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे जो पिछले पेपर में चंडीगढ़ रीजन का पेपर हो, चाहे पंजाब रीजन का हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज से पूछे गए हैं। उसी तरह से हरियाणा रीजन के पेपर में भी बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो इस नोट्स में से पूछे जाएंगे, जरूर, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने जो ये जो कंटेंट है वो तैयार किया है। इसके अलावा जो इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपको 15 ऐसे मिलेंगे, 15 लेटर्स मिलेंगे, 15 प्रेसिस मिलेंगे और 15 ट्रांसलेशन मिलेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, यानी जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो पंजाब रीजन के लिए पेपर हुआ था, उनमें से काफ़ी शिफ्टों में जो ऐसे थे वो इन 15 में से पूछे गए थे, काफ़ी लेटर भी पूछे गए थे और प्रेसिस जो थे वो इससे इंटरलिंक करते हुए पूछे गए थे, और ट्रांसलेशन के भी जो है काफ़ी लाइनें जो हैं डायरेक्ट रिपीट हुए थे। इसी वजह से हमारे द्वारा पूरी तरह रिकमेंड किया जाता है ये जो गेस्ट पेपर है, ये जो नोट्स हैं, ये आपको जरूर करके जाने हैं। आपने कहाँ से भी तैयारी की हो, आपने इसको कवर करके जरूर जाना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आप कैसे परचेज कर सकते हो। पहले इसके जो चार्जेस थे वो 1000 रुपये थे, बट अब हमारे द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब जो दिन है आपके पेपर में वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इसी वजह से हमारे द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आपको जो डिस्काउंट है वो 500 रुपये और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी इनके जो चार्जेस थे पहले 2500 रुपये थे और आपको डिस्काउंट दिया जाता था 1500 रुपये का, और आपको पे करने पड़ते थे 1000 रुपये। बट आप अब आपको 1000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, आपको अब पे करने हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये, ठीक है। ये आप पेमेंट कहाँ पे करोगे, आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, ये सभी जो अकाउंट हैं इस नंबर पे बने हुए हैं, ठीक है। इस पे पेमेंट कर देनी है आपको 500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करके बाद आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है इसी नंबर पे, सेम नंबर पे। उसके बाद हमारी तरफ से 1 घंटे में आपको जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे, जिसमें 4500 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज, ठीक है, और 60 जो टॉपिक होंगे वो होंगे सब्जेक्टिव पार्ट के। ये आपको 4560 जो क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अदरवाइज आप हमारा जो ऐप है जिसका नाम है पंजाब IQ, ठीक है, आप डायरेक्ट अगर ऐप से परचेज करना चाहते हो तो आप ऐप से परचेज कर सकते हो। ऐप में आपको ये फायदा होगा, आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ और साथ में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको अगर आप व्हाट्सएप पे परचेज करते हो, आपको जो पीडीएफ्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ शेयर की जाएंगी, वीडियोज़ आपको शेयर नहीं की जाएंगी, ठीक है। अगर आप ऐप में से डायरेक्ट परचेज करते हो तो आपको जो वीडियोज़ हैं वो भी साथ में शेयर की जाएंगी, ठीक है। वीडियोज़ काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं आपको जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे जो पेपर हुआ था पंजाब रीजन के लिए, उसमें लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस वो 5 ईयर प्लान से पूछे गए थे, 5 ईयर प्लान से। इसमें आपको कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड की गई है और साथ में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो जे ऐप में जो नोट्स मिलेंगे आपको, ये जो कंटेंट होगा ये सारा ऐप में प्रोवाइड किया गया है, आप डायरेक्ट ऐप में से परचेज कर सकते हो, ठीक है। हमारी ऐप आपने इंस्टॉल करनी है पंजाब IQ प्ले स्टोर से, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर टॉप सेलिंग कोर्सेज में आपको ये जो कोर्स है वो दिख जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो हैं वो कंप्लीट प्रोवाइड किए गए हैं आपको, ठीक है। जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उसको कवर करके जुड़ जाना है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क हरियाणा रीजन के लिए, ठीक है। ये थी हमारी कंप्लीट डिटेल इन नोट्स के बारे में, गैस पेपर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन नोट्स के बारे में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपने कहीं से भी तैयारी की हो, आपको इस गैस पेपर को कवर करके जरूर जाना है। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी गैस पेपर में से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके अपने एग्जाम में, ठीक है।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे 7009868826। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप जो है कोई भी क्वेरी जो है अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे द्वारा 4500 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको आपको कवर करके, इनको आपको प्रैक्टिस करके जुड़ जाना है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि लास्ट 4 दिन में आपने जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो वो आपने करनी है, ठीक है, लास्ट 4 दिनों में, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चंस डायरेक्ट भी मिल सकते हैं और इंटरलिंक करे हुए क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। सो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल में कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो इन नोट्स के बारे में तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। फुली रिकमेंड हमारे द्वारा किए जाते हैं ये जो स्पेशल नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।